हाइड ऐसे करो शेड ढूंढते रह जाएंगे ठीक। सो आज का टॉपिक हमारा कुछ ऐसा ही है और आज हम स्पेशल हाइड की बात करेंगे। देखिए कोई नॉर्मल हाइड नहीं है जिसको आपने हाइड करा और हाइड कर दिया, ये एक ऐसा हाइड है जिसको करने के बाद शीट मिलती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड खोल लेता हूँ, ये मेरा एक सेल्स का डैशबोर्ड है। देखिए जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है सबसे पहले एक रॉ डेटा की। ये मेरा रॉ डेटा है, इसके बाद क्या करते हैं हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। वो होती है हमारी प्रोसेसिंग शीट, यहाँ पे हम पूरी कैलकुलेशन करती है कि जो हमारा डैशबोर्ड दिखेगा उसका बैकएंड क्या होगा। और तीसरी होती है डैशबोर्ड, जहां पे कि हम सजावट करते हैं, ओके। ऐसे हाइड की जिससे कि वो शीट मिले ही ना, इसकी जरूरत कब पड़ती है, मान लीजिए मैं किसी कॉल सेंटर का MIS हूं और मैंने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया है जो बताता है कि कौन सा एजेंट कितनी कॉल रिसीव करता है, कितने टाइम बात करता है। और जब हम कभी कभी अपर लेवल मैनेजमेंट में इसको भेजते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड से मतलब होता है, जो उन्हें बता सके कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या चल रहा है, उन्हें कैलकुलेशन से कोई भी मतलब नहीं होता। तो उनको कंफ्यूज ना करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड देते हैं और जैसे प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन शीट होती है इसको हम हाइड कर देते हैं। तो देखिए जानते हैं कैसे, इसके लिए कोई भी VBA कोड की जरूरत नहीं है, पर आपको VBA विंडो ओपन करनी पड़ेगी। तो Alt+F11 इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास है सेल्स डैशबोर्ड की वर्कशीट जिसके अंदर की ये तीन शीट है, डी डेटा के लिए है, डैशबोर्ड है DB वाली और प्रोसेसिंग वाली है P वाली। देखिए इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज विंडो होती है जो बताती है कि इस शीट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए ये आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आपने व्यू टैब में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है प्रॉपर्टीज विंडो। मैंने क्लिक करा और ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैंने शीट सेलेक्ट करी है तो ये बता रहा है कि इसका नाम डी है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है जो बेसिक होती है। तो मान लीजिए जो एक प्रोसेसिंग शीट है इसको आप दिखाना नहीं चाहते, सबसे पहले डैशबोर्ड को आगे ले आते हैं, रॉ डेटा यहाँ पे रखते हैं और प्रोसेसिंग पे जाते हैं। आप क्या करते हैं राइट क्लिक करके हाइड करते हैं और उसको अगर आप अनहाइड करेंगे तो आपको दिख जाएगी, वो भी हम कवर करते हैं। तो देखिए किसी भी शीट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है ये विजिबल। इसमें हमारे तीन ऑप्शन है, एक्सेल शीट विजिबल, हिडन और वेरी हिडन। देखिए अभी ये विजिबल पे है तो आपको ये प्रोसेसिंग शीट दिखाई दे रही, और ये ध्यान दीजिए कि हमने प्रोसेसिंग वाली शीट सेलेक्ट करी है। अगर मैं इसका सेकंड ऑप्शन यूज करता हूँ एक्सेल शीट हिडन, ठीक है, तो ये हाइड हो जाएगी। अब देखिए प्रॉपर्टीज विंडो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन में करेंगे अनहाइड तो ये आपको बता देगी कि ये शीट हाइड है, इसको आप अनहाइड करेंगे ओके करके, तो ये देखिए यहाँ पे आ गई। तो ये तो आपको दिख रही है, लेकिन जो इसका तीसरा ऑप्शन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एक्सेल शीट वेरी हिडन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद ये शीट आपको दिखेगी ही नहीं। ये देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सेल शीट हिडन और ये देखिए अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। मैं इस वाली विंडो को क्लोज कर रहा हूँ और इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, फिर से मैं शीट को ओपन करता हूँ। अब देखिए नॉर्मल हाइड जब हम करते हैं तो राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं हो सकता, यानी कि देखने वाले को कभी पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में ये कैलकुलेशन जो इस डैशबोर्ड में है वो आ कहाँ से रही है। ऐसा अक्सर होता है कि बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड दिखाते हैं, यहाँ तक कि वो कैलकुलेशन तो छोड़िए वो रॉ डेटा भी नहीं दिखाते हैं। और अगर आप ये डेटा भी नहीं दिखाना चाहते तो आप Alt+F11 पे जाएं और ये देखिए ये हमारी शीट है कौन सी, डेटा वाली। तो आप डेटा को सेलेक्ट करें, फिर नीचे आएं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक्सेल शीट वेरी हिडन और ये देखिए आपकी अब डेटा वाली शीट भी गायब। सो इससे पता ही नहीं चलता है कि इसमें किस तरीके कैलकुलेशन। तो इसे आजमाइए अपनी एक्सेल शीट पे बिना VBA कोड के, इस तरीके से करते हैं फुल हिडन। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है और बिल्कुल न्यू लगा है तो प्लीज वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें।